बस दोस्तों, जब भी कभी धूप निकला करे ना, तो धूप में बैठा करो। धूप में बैठने के ना कई फ़ायदे होते हैं। सबसे बड़ी बात है कि आपके शरीर की ठंडी ख़त्म हो जाती है। दूसरी बात है कि आपके शरीर को विटामिन डी मिलता है। तीसरी बात है कि धूप में बैठने से आपके शरीर के अंदर एनर्जी आती है। चौथी बात है कि धूप में बैठने से आप एनर्जेटिक महसूस करते हैं। पाँचवीं बात है कि धूप में बैठने से आपके शरीर के अंदर लगी हुई ठंडी ख़त्म हो जाती है। और छठी बात है कि धूप सेहत के लिए भी बहुत अच्छी होती है। सातवीं बात है कि धूप में बैठ के बच्चे पढ़ाई भी कर लेते हैं। आठवीं बात है कि धूप में ना आप गेहूँ भी सुखा सकते हैं। नौवीं बात है कि पन्नू जो है ना, अपने सिर के लीक निकलवा रही है धूप में बैठ के। और दसवीं बात है कि किट्टू कृष्णा तैयार हो रहा बर्थडे के लिए। तो भैया ये है, कहाँ दिखाओ दिखाओ, कितने जू हैं भाई? मतलब बाल ऐसे सुखवा ले तो जू हो गए। अच्छा, जू नहीं है? नहीं, वो ऐसे ही देख रही है। क्या देख रही है? ऐसे बालों को, कहीं सफेद तो नहीं है बाल? अच्छा, जू नहीं है? इतनी गंदगी नहीं पन्नू पालती अपने बालों में। अच्छा, चलो भाई सॉरी, इनके सिर पे जू नहीं है, इनके सिर पे लीक है। देख रही थी ना, लीक है ना जू है। अच्छा ना भाई, इनके सिर पे ना लीक है ना जू है। वो मैंने इसको ये देखा, मेरे वाइट बाल तो नहीं होंगे, देख ले भाई। अच्छा 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 चलो दोस्तों, माफ़ी चाहेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, पन्नू के जू नहीं है जू।